तो भैया जी, आज का वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैं गायब इतना दिन क्यों था, वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था इस चैनल पे, जीतू गाड़ी लाइव चैनल पे वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था। तो मैं वही सब बातें आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो आज का वीडियो देखना, मज़ेदार होने वाला है, कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलो तो भैया जी बता दे कि आज मंगलवार है और आज मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है, जेक बोर्ड वालों का, 12th वालों का साइंस का रिजल्ट आने वाला है। तो भैया जी, जो जो एग्ज़ाम दे रहे हो, सॉरी सॉरी, जो जो एग्ज़ाम दे चुके हो, आज तो भाई मिठाई खिलाने का बारी। आज लड्डू लाओगे कि क्या लाओगे वो तो आप लोग पे डिपेंड करता है। इस बार ऑनलाइन था तो चांसेस है कि सब पास हो जाओगे, और हम लोग के टाइम तो भाई ऑफलाइन होता था। हम लोग के लिए तो 80% लाने के लिए भी भाई फट जाता था, कैसे कैसे पढ़ते थे भाई, और जैसे तैसे करके एग्ज़ाम देते थे, एकदम से पूरा दिन रात एक कर देते थे। उसके बाद तो होता है जैसे 10th कंप्लीट होता है, उसके बाद पढ़ाई का मन थोड़ा कम हो जाता है। स्कूल में तो भाई रट्टू तो होता है, एकदम से जो 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 टीचर बोले पूरा एकदम से सेम टू सेम। उसके कॉलेज जाने के बाद घूमना फिरना ज़्यादा होने लगता है, फिर पढ़ाई कम होता है, फिर 12th कंप्लीट होता है, उसके बाद पार्ट वन में फिर मार्क्स कम होने लगता है। ऐसे ऐसे करते मेरा तो ऐसे ही कंटिन्यू होता था, ज़्यादा था फिर कम हुआ, ऐसे ऐसे गया था। तो यही होता है, जब आप घूमोगे फिरोगे बाहर निकलोगे तो धीरे धीरे कॉलेज जाते जाते पढ़ाई का मन एकदम से कम होने लगता है, घूमने फिरने का ज़्यादा मन करता है। छोटे टाइम में तो भाई स्कूल से घर बस होता था, तो उसमें बहुत अच्छा पढ़ाई होता था। सभी को रिलेट करते होंगे इस बात से, मेरे बात से तो ऐसे। और बहुत कमी कोई जो बहुत पढ़ांकू होता है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, बुक घर वही रहता है, वही लोग ज़्यादा मार्क्स ले कर पाते हैं। बट मार्क्स ला के भी कोई फ़ायदा नहीं होता मेरे हिसाब से भाई। हम लोग भी, मेरा भी आज तक जीता पढ़ाई का समय पर 1st डिवीज़न आया, मार्क्स कोई मैटर नहीं करता, आपका एबिलिटी क्या है, आप कितना अदर फील्ड में कितना एक्टिव है, आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आप का क्या ऐसे व्यवहार है, वो सब डिपेंड करता है। और आप एवरेज रह के भी आप अच्छे से बाद में एकदम से हर फील्ड का आपका अच्छा नॉलेज रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई पढ़ांक एकदम से 90% ले आए भाई, वो तो रट्टू तोटा ही हो जाता है उसमें भाई। जॉब लगी तो लगी या नहीं लगी तो भाई कुछ नहीं कर पाओगे, ये चीज़ होता है। और आप अगर एवरेज में हर फील्ड में एवरेज हो और अच्छा खासा हर फील्ड में अच्छा खासा नॉलेज है, तब तो भाई आप जॉब लगे हैं, सरकारी जॉब लगे या नहीं लगे, बट अपने लाइफ में कुछ तो कर पाओगे भाई अच्छा। तो ये सब ज्ञान देने का सोच रहा था। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। और वीडियो नहीं आने का कारण यह था कि कुछ दिन पहले मैं स्विमिंग पूल गया था, पता था, तो उसमें भाई एक से एक स्टंट कर रहे थे, पानी में कूद रहे थे वैसे, तो मेरे कान में पानी घुस गया था, उसके बाद कान में मैल था, वो फूल गया था, तो मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, अभी भी नहीं दे रहा है ठीक से। तो वही तो उस एयरबड से साफ करते 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 वो अब और अंदर जाली के पास चल के अटक गया था, तो उसके बाद मेरे को दर्द होने लगा, तो फिर कुछ मन नहीं करता था एकदम से, दिन भर उसी पे ध्यान रहता था। तब फिर मैं डॉक्टर के पास गया, दवा ववा दिया, फिर वहाँ साफ कराया, फिर पूरा साफ नहीं हो पाया, फिर थोड़ा सा चोट लग गया था कान में वही साफ करने के टाइम पर, फिर ठीक नहीं हो पाया, फिर दवा बोला कि लो दवा लिया, फिर भी ठीक नहीं हुआ, फिर दूसरा डॉक्टर के पास अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वहाँ भी अभी दवा चल रहा है, फिर वहाँ से फिर और साफ कराने जाना है। तो अभी थोड़ा आराम है, इसलिए सोचा कि चलो वीडियो बना लेते, आप लोग को अपडेट भी दे, और वीडियो आएगी कुछ दिन में, वीडियो ज़रूर आएगी, अभी एक दो दिन बाद में और डॉक्टर के पास जाना है, उसके बाद तो फ्री हो जाऊँगा, फिर वीडियो लाऊँगा। तो सपोर्ट बनाए रखना इस चैनल में, तो चलो बाय।